अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। और वेलकम टू माय चैनल जक्या खान में आप सबको खुश आमदीद। ये हमारे लांडी का इलाका है और हम बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश तो अभी तक आई नहीं है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है यहाँ हमारे इलाके में और बारिश अभी तेज़ नहीं हुई है। बहुत सी जगहों में तो हो रही है लेकिन अभी हमारे इलाके में नहीं हुई है और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का और नहाने का बारिश में। मैं अपनी छोटी सिस्टर के घर आई हूँ और मैंने हलीम बनाई थी, तो मैं अपनी छोटी सिस्टर के लिए लेकर आई थी, थोड़ी सी ही बनाई थी, दो सिस्टर के लिए लेकर आई हूँ। और जब ज़्यादा बनाती हूँ तो फिर सबको खिलाती हूँ। घर में ये लोग तो कोई आया नहीं था तो मैं हम दोनों बहनों को आना पड़ गया इन लोगों के लिए। और जब यहाँ पहुँचे तो इन लोगों का भी प्रोग्राम था तो हमारी तरफ आने का, लेकिन जब उन्होंने बताया कि हमने बचाना उनके घर आकर हम इन दोनों के लिए, तो ये आज का प्रोग्राम। असल जो है ना हमारे नवासे बहुत शोर शराबा करते, तो इसलिए शोर शराबे की आवाज़ें आ रही हैं। और बस उन लोग का भी आज प्रोग्राम था हमारी तरफ आने का। मेरी छोटी सिस्टर ने छुट्टी कर ली थी अपने ऑफिस से तो उन्होंने मुझे बताया ही, और इसलिए हम लोग बचाना जा रहे हैं तो फिर उनका आज का प्रोग्राम ख़राब हो गया। और फिर हम हलीम लेकर आ गए हैं, अब ये लोग खाएँगे हलीम गर्म करके। और अभी तो खैर मैं दूसरी सिस्टर की तरफ जा रहे थे नाली में, वो भी नाली में ही रहती है। हमने घर वापस जाना था लेकिन मेरे भांजे ने रोक दिया कि अंटी आज मिल जाए कल जाइएगा, और ज़बरदस्ती रोक दिया। हालांकि हमारा रुकने का कोई इरादा नहीं था, तो मजबूरन अब रुके हुए हैं हम। अब नमाज़ पढ़ के या अभी निकलते हैं क्योंकि बाहर का मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं, बस हल्की भी फुहार हुई है, फुहार पड़ी है। देखिए तेज बारिश का होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कपड़े तक चुभ रहे हैं, इतनी टेंशन हो रही है बारिश से कि बस घबराहट सी होने लगी है तो। और चले और देखते हैं बाहर निकल के क्या प्रोग्राम रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जक्या खान व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज हमारे यहाँ बारान रहमत बरस चुकी है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है माशाल्लाह से, देखिए जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था। और वो अभी मैं सोच रही हूँ छत पे जाओ नहाने के लिए। देखिए माशाल्लाह से। और अभी हम अपनी छोटी सिस्टर के घर से आए हैं। आज तो बाहर बहुत ज़्यादा हर्ष था, बहुत गर्मी थी और हमने तो खैर एक ड्राइव कर ली थी तो उसमें आए थे, और लेकिन बहुत घबराहट हो रही थी। कल हम लोग गए थे अपनी सिस्टर की तरफ, छोटी सिस्टर के घर, और तो हमारा स्टाफ पे खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, गर्मी हो रही थी और हम सो रहा था। तो हम फौरन रक्षा करके रक्षे पे फिर हम लोग सिस्टर के घर गए, वरना एक दो मिनट और खड़े होते तो कोई ना कोई गिर ही जाता, इतनी गर्मी हो रही थी। और माशाल्लाह से कल हुई है बारिश लेकिन जब बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई है। और ये देखिए अल्लाह ताला को हम पर रहम आ ही गया देखो। चले थोड़ा सा तो हम ख़त्म होगा इस बारिश से। और कल मैं गई थी तो मैं हलीम मैंने बनाई थी थोड़ी सी, तो वो अपनी सिस्टर्स के लिए ले गई थी। और ये आप हमारा, और आज हम लोग कल हम लोगों ने वहीं स्टे कर लिया था और क्योंकि मेरी सिस्टर ने रोक लिया था
तो आज हम लोग सुबह जल्दी नाश्ता वगैरह करके जल्दी निकल आए थे। ये देखिए हमारे यहाँ जब तेज़ बारिश होती है तो ये हमारे छत से सीढ़ियों पे भी आ जाता है पानी। और ये अभी तो है इतनी नहीं हुई, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो हमारे कमरे तक भी आ जाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगी और दिखा भी चुकी हूँ। और क्योंकि स्लोप उसका यहाँ का है तो इसलिए पानी फिर यहीं स्लोप अभी तक ठीक नहीं करा, यहाँ का स्लोप है तो फिर यहीं पर पानी आता है। और इतनी तेज़ बारिश तो नहीं हुई कि मैं जाऊँ नहाने के लिए, क्योंकि अब स्लो हो गई है, जब बहुत तेज़ होगी तो फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और ताकि गर्मी अब ख़त्म हो। लेकिन अभी भी ये ज़्यादा नहीं हुई है, नॉर्मल हुई है, और बस इतनी बारिश हो कि किसी को नुकसान ना पहुँचे, कोई भी किसी के घर ना पे है, या यानी कि कोई भी रास्ते में जो काम वगैरह करने पे जाते हैं उन सबको कोई परेशानी ना हो, बस रहमत वाली बारिश हो, रहमत वाली, हाँ रहमत वाली हो, रहमत वाली ना हो। चले बस अभी गए, अभी भी हमने हलीम खाई है दोपहर में, हलीम थोड़ी सी रखी थी, सुबह नाश्ता करके हम जब निकल गए थे तो फिर हम मैंने अपनी हलीम थोड़ी सी रखी थी, वो गर्म करके खाई और माशाल्लाह से हलीम बहुत मज़ेदार बनी थी, और हलीम या हलीम बहुत मज़ेदार थी और सबसे शौक से खाई। ये देखें फ्रेंड्स हमारी कराची का मौसम बहुत सुहाना हो गया है माशाल्लाह से, और ये काले काले बादल आ चुके हैं हमारी कराची में। देखिए और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मैं इंजॉय करने आई हूँ ऊपर, बारिश का मज़ा लेने आई हूँ। बारिश तो इतनी तेज तो नहीं हो रही, बस हो रही है यह मौसम तो सभी को अच्छा लगता है, और सभी बहुत दिनों से परेशान थे गर्मी की वजह से, और अभी देखें हमारे लांडी में पता नहीं बारिश हुई है कि नहीं, और अभी तक तो किसी ने नहीं कहा कि वहाँ बारिश हुई है, लेकिन अब क्योंकि घर में भी नहीं है ना, जॉब पे जाते हैं सब, तो जब घर आएंगे तो पता चलेगा कि बारिश हुई है कि नहीं। और फिर ऐसे मौसम में कुछ मज़ेदार सी चीज़ें खाने का भी दिल करता है, चाय पकौड़े ऐसी चीज़ें हो साथ में, और हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और मैं इंजॉय कर रही हूँ।
बहुत चीज हुआ है जी। लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए।